diamond's eyes I've ever seen. तो गाइस हो चुकी है अगले दिन की शुरुआत, बाइक से हमारी रेडी है। और दीपांशु भाई एक चीज बता रहा हूँ, हम जिस भाई के घर पे रुके ना और उनका घर वालों ने खाना खिलाया हमें कल रात को, जो एक नंबर खाना था, मतलब घर की याद नहीं आ रही थी भाई, अंकल आंटी इतने ज्यादा स्वीट थे कि मजा आ गया। और आज तो फिर भाई बताएंगे मजा। सरसों का साग बनाया था अंकल ने खुद अपने हाथों से, एक नंबर भाई मजा आ गया खाने में। तो चलो आपको बाइक्स दिखाते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल नॉर्थ राइडर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये रही हमारी बाइक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो तीसरा राइडर है वो हमें मिलेगा खन्ना से। ये रही उसकी निंजा 300 और राइडर है हमारे सिप्पू। अच्छा ये जो गाड़ी भी कर लिया लड़के ने क्रूज कंट्रोल का, वेरी गुड, काम करता है ये, पूछना पड़ेगा इससे काम करता है तो भाई लोगों निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं गोप्रो पर। ये हुई है हमारी, यार अंकल और आंटी बहुत ध्यान रखा यार इन्होंने हमारा, पता है बहुत ध्यान रखा है एक बच्चे की तरह। बाइक रेडी हो गई है हमारी, उधर निंजा 300, एडवेंचर 390 और अपनी R3। मेरी बाइक पे तो बहुत ज़्यादा सामान भरा पड़ा भाई। टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 7 और आज डे है हमारा 2। निकल चुके हैं हम उधमपुर के लिए। प्लान हमारा यही था कि भाई अपन लोग जो हैं पहले खन्ना आएंगे और फिर खन्ना से सीधा उधमपुर जाएंगे। लो भाई लग गए हाईवे पे तीनों भाई, और निंजा सुबह ही सुबह हवा में बातें करती हुई इधर एडवेंचर निकलती हुई, और अपन चलेंगे सबसे पीछे अपने भाई लोगों का ध्यान रखते हुए। लुधियाना है यहाँ से 23 किलोमीटर और जलंधर है 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर यानी कि 1.25 घंटा अगर हम इसी स्पीड पे चलते रहें तो जलंधर पहुँच जाएंगे। और फुल मज़े लेते जा रहे हैं राइडिंग के, सिप्पू भी कनेक्टेड है, दीपांशु भी कनेक्टेड है, फुल मज़ा आ रहा है भाई राइडिंग करने में। हाँ हाँ हाँ, अबे सिप्पू एक बार दिखाना फ्लाई भाई, ले आ ले आ ले आ ले आ। हाँ आगे ट्रैफिक है वैसे थोड़ा सा, आराम से निकालियो साले, कभी मुझे रगड़ता हुआ चला जाए। चल आ जा, तो भाई ये थी निंजा की फ्लाई बाय। देखिए आपने मजा आ गया होगा देख के, लौंडा हमारा फुल खींच के ले रहा है मीटर, इंजन पे कोई जोर नहीं आएगा इन बाइकों के भाई। आजा आजा तू भी आजा बराबर में आजा हेलो गाइस गायब हो गया वो तो, गायब। पठानकोट लगभग यहाँ से है 70 किलोमीटर और कोहरा देखो भाई क्या जबरदस्त मौसम हो रहा है, मतलब क्या ही कहने यार मौसम के। तो 2.5 से 3 घंटे में अपन नियर बाई उधमपुर पहुँच जाएंगे ऊपर वाले ने चाहा तो, और राइड में फुल मज़े आ रहे हैं, फुल मीटर खींच के ले रखी है। कल माइलेज नहीं मिला मुझे लेकिन आज माइलेज ठीक ठाक मिल रहा है क्योंकि मेरे जो साथ में पार्टनर है वो बढ़िया तरीके से अपना एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। तो भाई अच्छे पार्टनर होना भी बहुत ज़रूरी है। दीपांशु के साथ ये मेरी तीसरी या चौथी राइड होगी और सिप्पू के साथ भी तीसरी या चौथी राइड होगी, तो भाई अच्छे पार्टनर का होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी ट्यूनिंग बैठती है राइड में।
my whole life. The skyline is jealous. I'm looking at you, how you shine. यहाँ रुके हैं अपन पंजाब में, कोई जगह है पठानकोट से 60 किलोमीटर पहले, और यहाँ छोले भटूरे खाए जा रहे हैं। ये दीपांशु लगा पड़ा है, देखने में तो बढ़िया लग रहे हैं यार, है ना? एक और मंगा दो, तीन प्लेट लगा दो, मस्त। तो मिलते हैं चाय पी के और छोले भटूरे खा के। वो तो पेल गया भाई पूरा, ये भाई पूरा पेल गया अपना। ये रखा वो हेलमेट साफ करने में लगा भाई, तीसरा वाला तो छोले भटूरे से कोई लेना देना नहीं है, कुछ और लगवाते हैं भैया। चाय लगा दो तीन, और क्या क्या है? ये क्या है, पकौड़े? ये पनीर पकौड़े। ये लगा दो एक प्लेट, एक प्लेट नहीं होते, पहिया लगा दो यार। नाश्ता पानी हो गया अपना कंप्लीट, अब निकलने की तैयारी है। थोड़ी सी धूप सेकेंगे बाहर, उसके बाद अपन यहाँ से निकलेंगे सीधा पठानकोट और फिर सीधा बम्बू और फिर सीधे पहाड़ से। चलो चलते हैं। चलो भाई, अभी टाइम हुआ है लगभग 10:30। नाश्ता पानी हो गया अपना, बढ़िया मज़ा आ गया। छोले भटूरे खाए, चाय पी, पनीर पकौड़ा खाया, मज़ा आ गया। मौसम हो गया एक नंबर। अबे क्या रेस लगा रहे हो क्या? पंजाब का आखिरी सबसे बड़ा शहर पठानकोट में आपका स्वागत है। पठानकोट पहुंच गए भाई, अब इसके बाद सीधा लखनपुर बॉर्डर। यहाँ से कई रास्ते कटते हैं, एक रास्ता यहाँ से नीचे जा रहा है, ये जाता है तुम्हारा धर्मशाला को, और एक जगह और है, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा, मंडी डलहौजी के लिए भी यहीं से नीचे से रास्ता कटा है। सीधे निकल जाएंगे अपन जम्मू की साइड। श्रीनगर यहाँ से 409 किलोमीटर है, जम्मू 110 है, अमृतसर जाओगे तो वो भी 110 किलोमीटर है यहाँ से अमृतसर। गाय आ गई अचानक सामने, स्कूटी गिर गई। ओ वारा डंगर नहीं भाग रहे। हाँ हाँ हाँ, वो अचानक ही आ गया सामने। आप ठीक हो ना? लगी तो नहीं? अरे यार गाय एकदम आ गई अचानक से सामने। लो ये रखो, पकड़ो बैग और पर्स पकड़ो, मोबाइल मोबाइल देखो। बड़ी तेज गिरे हैं भाई ये लोग, हुआ क्या? वो जो गाय देख रहे हो आप, गाय वैसे वो रोड क्रॉस कर रही हैं उल्टे सीधे तरीके से, मतलब बंदे को देखना चाहिए जो उसे लेके जा रहा है यार। उनको अचानक गाय स्कूटी लगी धड़ाक से और ये लोग गिरे। शुक्र है ज़्यादा लगी नहीं है, इनके ज़्यादा स्पीड में नहीं थी। ओ देखो वो देखो फिर, हाँ वो फिर वही हो रहा है ड्रामा। गाइस पहुँच गए अपन लखनपुर बॉर्डर, और सिप्पू और दीपांशु गए हैं फॉर्म फिल करने के लिए, मेरा भी वो फॉर्म फिल कर देंगे। और अपन यहाँ अपनी बाइकों का ध्यान रख रहे हैं, ये हुई R3, ये अपनी निंजा 300, ये एक एडवेंचर 390। तो गाइस ये वीडियो हो गई है बहुत लंबी, इस वीडियो को एंड यहीं करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।